तो यार वैसे तो गेम प्ले को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ड्रिल्स हैं, पर भाई अगर आप सभी ड्रिल्स को प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे ना, तो भाई आपका पूरा का पूरा दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में ही निकल जाएगा। तो भाई इसीलिए ना आज की वीडियो में मैं आपको अपना ट्रेनिंग रूटीन दिखाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सी ड्रिल्स रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे बाकी ड्रिल्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भाई इस वीडियो में मैं आपको जितने भी ड्रिल्स बताने वाला हूँ ना, वो जायरो एज वेल एज नॉन जायरो दोनों प्लेयर्स के लिए ही होने वाली हैं। और भाई वीडियो के लास्ट में ना मैंने आप लोगों के लिए एक चैलेंज भी रखा है, और भाई उस चैलेंज को करने से पहले तुम सभी ड्रिल्स को अच्छे से देख लेना, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बाकी वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता हूँ, और भाई यहाँ पे आने के बाद भाई मेरी स्क्रीन में जितने भी बटन्स हैं ना, लाइक मेरा फायर बटन हो गया, मेरे प्रोन, मेरा क्राउच एंड भाई यहाँ पे पीक्स एंड स्कोप वाले बटन, इन सभी बटन्स की मैं अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इससे मेरा मूवमेंट ना एकदम स्मूथ हो जाता है गेम के बीच में। और भाई अगर आप लोगों ने रिसेंटली अपने कंट्रोल्स चेंज किए हैं ना, तो भाई ये वाली ड्रिल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी यार मेरा तो हाथ बैठा हुआ है मेरे कंट्रोल्स पे, फिर भी मैं इस ड्रिल को रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ ताकि यार मेरा मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाए। और गाइस मूवमेंट की प्रैक्टिस करने के बाद मैं अपने क्रॉस हेड प्लेसमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके लिए ना गाइस मैं अपनी गन स्विच करते हुए सामने जितने भी टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनको ट्रेस करता हूँ कुछ इस तरीके से। और गाइस ये वाली ड्रिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर आपको अपना क्रॉस हेड प्लेसमेंट इम्प्रूव करना है तो। और गाइस इस वाली ड्रिल को आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही प्रैक्टिस करना है। अभी गाइस जिसके बाद आपको अपनी स्कोप ओपनिंग की प्रैक्टिस करनी है। गाइस उसके लिए आपको सामने जितने भी टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इन टारगेट्स के हेड के ऊपर अपना स्कोप ओपन करना है और 2 से 3 गोलियों का बर्स्ट मारना है। और इस वाली ड्रिल को 2 मिनट तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और भाई यहाँ पे आने के बाद आपको अपने डैमेज जोन दरों की प्रैक्टिस करनी है। और भाई ये वाली ड्रिल ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है अगर आप लोग रिजिस फाइट ले रहे हो। और भाई मीरामार अगर आप लोगों को कस्टम है, तो भाई आप लोग मीरामार वाले कस्टम से पहले इस वाली ड्रिल को ज़रूर प्रैक्टिस करना, भाई आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और जो बिगनर्स हैं, मैं उन लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, भाई आपको ना ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ध्यान दो कि भाई आपका टारगेट के हेड पर ही स्कोप खुल रहा है, आप लोगों को ना फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और गाइस इसके बाद आपको इस वाले बॉक्स के पीछे आके बैठ जाना है, और भाई यहाँ पे आके भी आपको डैमेज अंदरों की प्रैक्टिस करनी है। और गाइस अगर आप लोग बिगनर हो ना, तो आपको ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने एम के ऊपर ध्यान रखना है। और गाइस इसके बाद आपको ना अपनी गन की सारी अटैचमेंट्स हटा देनी है, और भाई उसके बाद आपको ना 90 से 180 मीटर्स तक के टारगेट को ऑन रखना है, और हेल्थ 100 रख के मूवमेंट स्पीड 0 कर देना, और भाई लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट एनेबल करके भाई इसको ना स्टार्ट कर देना। और उसके बाद आपको एक एक करके सभी स्कोप्स के साथ यहाँ पे स्प्रेज मार के प्रैक्टिस करनी है। और भाई आपको ना ट्राई करना है कि आपकी 10 से 20 गोलियों में ही एक टारगेट डाउन हो जाए, और अगर आपको इससे ज़्यादा गोलियाँ लग रही हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और भाई अगर आपका स्प्रे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब आपको अपनी सेंसिटिविटी ठीक करने की ज़रूरत है। और भाई अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी ठीक करनी है ना, तो भाई मेरी हाउ टू मेक योर ओन सेंसिटिविटी वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपको अपनी खुद की सेंसी कैसे बनानी है। बाकी अगर आप लोगों को मेरी सेंसी एंड कंट्रोल वगैरह चाहिए, तो भाई आप लोग मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको भाई मेरे स्टोरी हाइलाइट्स में ही ना मेरा सेंसी एंड मेरे कंट्रोल कोड दोनों ही मिल जाएंगे, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्प्रेस की 10 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपको 20, 40 एंड 60 मीटर्स वाले टारगेट ऑन करके आपको टारगेट्स की हेल्थ 100 रखनी है, और मूवमेंट स्पीड आपको 300 करके स्टार्ट कर देना है। आपको इस वाले ड्रिल की प्रैक्टिस रेड डॉट के साथ करनी है, और भाई बाकी ड्रिल्स की तरह आपको इस वाले ड्रिल में भी अटैचमेंट्स का यूज़ नहीं करना है, और आपको इस वाले ड्रिल की मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक ही प्रैक्टिस करनी है। अब गाइस इसके बाद आपको अपनी कार स्पेस की प्रैक्टिस करनी है, और भाई कार स्पेस की प्रैक्टिस करने के लिए गाइस मैं तो रैंडम टारगेट्स को इस तरह से ट्रेस करता हूँ। और गाइस वैसे मैंने कार ट्रेसिंग के ऊपर ना ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने डिटेल्ड में एक एक चीज़ बताई हुई है कि आप लोग अपने कार स्पेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो भाई आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वाली वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अब गाइस लास्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने क्रॉस हेड ट्रेसिंग की। और गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 20 मीटर वाला टारगेट ऑन रखना है, और आपको हेल्थ ऑफ द टारगेट कर देनी है 170, और उतनी ही मूवमेंट स्पीड करने के बाद आपको हेल्थ वापस से 100 कर देनी है। और गाइस मूवमेंट स्पीड 173 करने के बाद क्या होगा ना, कि जो सामने टारगेट रहेगा ना, इसकी मूवमेंट स्पीड आपकी जिगल की स्पीड के बिल्कुल बराबर रहेगी, जिसकी वजह से आप एनिमीज के जिगल को बहुत ही ईजिली ट्रेस कर पाओगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको एक जगह पे बैठ जाना है, और भाई यहाँ पे बैठ के ना आपको बिना मूवमेंट दिए सामने वाले टारगेट को इस तरह से ट्रेस करना है। और भाई जब आपको थोड़ा फील हो कि भाई आपका अच्छे से हाथ बैठ चुका है और आप सही से ट्रेस कर पा रहे हो, तब आपको जिगल करते हुए सामने वाले टारगेट पे फायरिंग करके इस टारगेट को डाउन करना है।
तो भाई इस वाली ड्रिल को भी तुम्हें 2 से 3 मिनट तक ही प्रैक्टिस करना है। तो चलो भाई अभी मैं आपको चैलेंज के बारे में बता देता हूँ। तो भाई आपको इस जगह पे आना है और भाई यहाँ पे ना आपको डिफिकल्टी लेवल 3 पे करके इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देना है। और आपको अपने पास एक सिंगल M4 रखनी है और भाई आप उसमें रेड डॉट लगाना और बाकी आप जो अटैचमेंट लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो। और आप अपने हेलमेट वेस्ट उतार देना और भाई यहाँ पे ना आपको बिना हील किए इन सभी बॉट्स को मारना है। और भाई हो सकता है कि अभी आपको सुनने में आसान लग रहा हो कि भाई बॉट ही तो मार रहे हैं, ये तो हम आराम से मार लेंगे, पर भाई सच बताऊँ तो भाई डिफिकल्टी लेवल 3 पे ना अगर आप लोग इसको बिना हेलमेट वेस्ट के करते हो बिना हील किए तो भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और भाई अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हो ना तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से टैग करना। और भाई जो भी पहले 5 बंदे होंगे ना जो इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे विद रूल्स, भाई मैं उनकी पोस्ट को ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे रीशेयर करूंगा। तो भाई ज़रूर से इस चैलेंज को कंप्लीट करना। और बाकी मैंने तो इस चैलेंज को कंप्लीट किया था, आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।